नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा कटलेट। पिज़्ज़ा कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए आटा, शिमला मिर्च बीज निकले हुए, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर बीज निकले हुए, पनीर, दूध, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर, अजवाइन और पानी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आटे में डालिए थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और अजवाइन, इसे कर अच्छे से मिक्स। अब इसमें डालिए दूध, थोड़ा थोड़ा करके डालें। टाइट डो बना के तैयार कर लिया। अब इसमें डालिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और इसे अच्छे से मसाज कर लीजिए। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। गैस पर पैन रखें, पैन को गर्म होने दें। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालिए रिफाइंड ऑयल 2 टेबल स्पून। रिफाइंड ऑयल को गर्म होने दें। पैन गर्म हो चुका है, इसमें डालिए प्याज। इसमें डालिए शिमला मिर्च। टमाटर इसमें डालिए थोड़ा सा नमक, नमक हिसाब से डालें क्योंकि उसमें आप डाल चुके हैं आटे में। गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और अजवाइन अच्छे से कर लेंगे। इसमें डालिए पनीर क्यूब, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और गैस को कर दीजिए। 15 मिनट हो चुके हैं। इसे एक बार और मसाज करकर इसकी लुइयां तोड़ लें। लुइयां हमारी बन चुकी हैं। एक लुई लें, इसे थोड़ा सा पाउडर डस्ट करें, इसे मोटा बेल लें। इसे कर लें पैक। इसे करें अच्छे से प्रेस और इसे दबा, इसे कर दें अच्छे से प्रेस। ऐसे ही सारे कर लें। हमारे ये पिज़्ज़ा कटलेट बनकर तैयार है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। गैस को ऑन करें, इसमें डालें रिफाइंड ऑयल
टू टेबल स्पून। इसे थोड़ा सा हिलाएं। अपने कटलेट्स को रखिए। उल्टा साइड रखें जिससे वो जो है ये सील हो जाए। इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से सेक लें। पिज़्ज़ा कटलेट बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।